दोस्तों स्वागत है आपका आज फिर से एक नए संडे Q&A कमेंट सेशन में। फ्राइडे को जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यारे मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हैं, जिसका कि मैंने आज के सेशन में यूनिक क्वेश्चंस पिक किया है, जिसका कि मैं जवाब दूंगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का संडे Q&A कमेंट सेशन। पहला क्वेश्चन है इमरान MMB का। इन्होंने पूछा है कि सर आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, आई एम योर सब्सक्राइबर, आई वॉच ऑल योर वीडियोज, माई क्वेश्चन इज अगर मैं हिंदी मोटिवेशनल शॉर्ट्स स्टोरीज और फैक्ट्स शॉर्ट्स बंगाली में वॉइस ओवर करके अपलोड करूं, जहां पे सेम वीडियो भी हल्का एडिट बट द वॉइस बंगाली, इफ एनी प्रॉब्लम, इफ आई गेट कॉपीराइट आर शॉर्ट्स फंड, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, आई कांट हिंदी बट ट्राइंग, इफ एनी मिस्टेक प्लीज फॉरगिव मी। तो आपने सही बोला है, कोई आपका मिस्टेक नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बंगाली में बनाना चाहते हैं तो बेझिझक आप बना सकते हैं, और बंगाली में बनाएंगे तो फिर कॉपीराइट का क्या इशू है, आराम से आपको शॉर्ट फंड भी मिलेगा, ना कॉपीराइट का डर ना कुछ, लेकिन कॉन्टेंट आपका खुद का होना चाहिए। तो आप बंगाली में बिंदास बना सकते हैं। अभी कल ही मैं लाइव आया था तो उसमें देखा था एक बंगाली चैनल था जिस पर 1,80,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे और बहुत अच्छे व्यूज भी आ रहे थे। तो आप भी काम कर सकते हैं, बिंदास होकर शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं शॉर्ट्स बनाइए, जिस भी लैंग्वेज में चाहते हैं आराम से आप बना सकते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रुपिंदर ढिल्लो ने। इन्होंने पूछा है हेलो सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन। पहला है इनका, अगर हम फैक्ट चैनल पर मैजिक ट्रिक के वीडियो डालते हैं उनकी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करें, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, और फैक्ट चैनल की एजुकेशन कैटेगरी डालें या एंटरटेनमेंट। तो भैया आप जो अपना मैजिक वाला वीडियो बनाते हैं ये भी एक तरीके से अगर आप फैक्ट बताते हैं तो एजुकेट करते हैं, एजुकेट ही करते हैं, क्योंकि आप बताते हैं कि उसके पीछे कैसे ट्रिक काम करती है। तो आप अगर फैक्ट बताते हैं या फिर मैजिक ट्रिक उसमें बताते हैं, आपको जो कैटेगरी रखना है वो एजुकेशन ही रखना है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निखिल गौड़ ने। इन्होंने पूछा है हेलो सर क्या शॉर्ट्स वीडियो पे टैग्स और डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, शॉर्ट्स वीडियो वायरल कैसे करें। तो भैया आपके शॉर्ट्स वीडियो पर टैग और डिस्क्रिप्शन मैटर करता है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से टैग और डिस्क्रिप्शन डालते हैं तो आपके जो शॉर्ट्स का वीडियो है वो सर्च से आता है, सर्च से भी व्यूज आता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद पर्सनली ये चीजें किया है। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो का सही से SEO करके डाला, जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया तो उस पर लगभग 25,000 से 30,000 व्यूज आए थे। इसके बाद वहीं पर वो रुक गया था, लेकिन आगे चलकर उस पर व्यूज कहां से आने लगे, सर्च से आने लगे। और उसके एक महीने बाद जब सर्च से व्यूज आना स्टार्ट हो गए तो एक महीने बाद वो YouTube फिर से शॉर्ट्स फीड में उसे भेजना स्टार्ट कर दिया, और एक महीने बाद वो वायरल गया जिस पर 12 फिर 13 मिलियन व्यूज आए टोटल। तो बहुत जरूरी है अपने शॉर्ट्स वीडियो को भी अच्छे से SEO करना, तो इसके लिए आप टैग डिस्क्रिप्शन जरूर लगाइए, बहुत ही 100% काम करता है। और शॉर्ट्स वीडियो वायरल कैसे करें उसके लिए मैं बहुत सारे हमेशा नए तरीके आपके लिए लेकर आता रहता हूं, जाकर आप वीडियो देखें सारे तरीके आप देखेंगे, जो जो नए तरीके चलते रहते हैं मैं हमेशा वीडियो बना देता हूं कि किस तरीके से आपको शॉर्ट्स पर काम करना है, और बहुत लोग इसका फायदा भी उठा रहे हैं, तो आपको भी उसी तरीके से काम करना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्वैग अमित गेमिंग ने। इन्होंने पूछा है सर आपका बर्थडे कब आता है, पिक माय क्वेश्चन, लव यू सर, लव यू टू ब्रदर, और बर्थडे मेरा कब आता है। तो भैया मैं आपको बता दूं 28 अगस्त को, यानी 28 अगस्त को मेरा बर्थडे आता है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मतलब बताया है, क्वेश्चन ही क्या है बताया है इन्होंने, तिप्रसा रमन एडिट वीडियो। इन्होंने बोला है गुरु जी की जय हो। तो भैया आपकी भी जय हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है B2 Fact 2M ने। इन्होंने पूछा है सर शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में क्यों नहीं जाता है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, लव यू टू ब्रदर। तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट्स फीड में आपका शॉर्ट्स वीडियो अगर नहीं जा रहा है तो उसके पीछे के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसके पीछे क्या वजह है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको थोड़ा छोटे में बता देता हूं शॉर्ट में, कि शॉर्ट फीड में आपका वीडियो तब नहीं जाता है जैसे आपने शॉर्ट्स को अपलोड किया और आपके जो सब्सक्राइबर हैं वही आपके शॉर्ट्स को नहीं देख रहे हैं। अगर वो आपके शॉर्ट्स को नहीं देख रहे हैं, जैसे 2-4-10 लोगों को होम पेज पे दिखाता है, मतलब 1% जितने भी आपके सब्सक्राइबर हैं उसका 1% या फिर उससे भी कम दिखाता है ब्राउज फीचर में, अगर वो लोग नहीं देखते हैं आपका शॉर्ट्स वीडियो, या फिर अगर देखते हैं तो बहुत कम, जैसे 60% रिटेंशन, 65% रिटेंशन रहा, तो अगर ये सब इशू है, लाइक भी नहीं करते हैं, तो ये सब बहुत सारे चीजें मैटर करती हैं जिसे देखते हैं यूट्यूब वाले कि आपका रिटेंशन सही नहीं है, यानी आपके शॉर्ट्स में दम नहीं है, सामने वाला आपका सब्सक्राइबर ही वो वीडियो नहीं देख रहा है, तो वो फिर आपका शॉर्ट्स फीड में नहीं भेजते हैं। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, चैनल पर है, आप जाकर देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर मेरी शॉर्ट्स वीडियो शॉर्ट्स फीड में क्यों नहीं जाती है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनोखा फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है सर शॉर्ट कैटेगरी चैनल पर मिक्स टाइप फैक्ट वीडियो बनाने से ग्रो होता है क्या, ये या एक टाइप का फैक्ट वीडियो बनाने से ग्रो होता है या फिर मिक्स टाइप फैक्ट बनाने से चैनल ग्रो नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी कैटेगरी सेम है और कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी होती है, जैसे अगर आप फैक्ट की बात कर रहे हैं तो फैक्ट के अंदर आपका मैजिक ट्रिक हो गया या फिर आपका मतलब स्टोरी टाइप का वीडियो हो गया, थोड़ा बहुत स्टोरी टाइप का जो वीडियो होता है या फिर कहीं पर एक्सीडेंटल कुछ वीडियोस है, कुछ इंसिडेंट हुआ है वो चीजें, तो आप या फिर हॉरर फैक्ट हो गया या फिर करंट में कोई न्यूज चल रही है उसका फैक्ट हो गया, तो आप इस टाइप का मिक्स कंटेंट बना सकते हैं लेकिन कैटेगरी सेम हो, सेम कैटेगरी हो। ये नहीं कि फैक्ट आप बता दिए, कल डांसिंग कर दिए, परसों रोस्टिंग कर दिए, इसके बाद आपने कॉमेडी कर दिया, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। हाँ, फैक्ट के अंदर जो अलग अलग टाइप के कैटेगरी है, सब कैटेगरी, वो आप मिक्स करके डाल सकते हैं, जिस पर ज्यादा व्यूज आए, जो वीडियो आपका वायरल जाए, वो आपको फिर उसी पर लगातार कंटिन्यू काम करना है, तो ये आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियांशु भारती ने, इन्होंने पूछा है सर आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो मैं आपको बता दूं, मंथली इनकम पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं, बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा मेरा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये टेक का चैनल अभी 6-7 महीने पुराना है, 6 महीने होने वाले हैं, हो चुके हैं 6 महीने, और कितनी अर्निंग हो रही है ये देखकर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं जो कि 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, और आप देखकर 100% मोटिवेट होंगे, क्योंकि तरीके तो मैं आपको सिखा रहा हूं, बस एक पैसा भी होता है कि आप जब एक रियल में देखेंगे कि YouTube पर कितनी अर्निंग हो सकती है तो 100% आप मोटिवेट होंगे। तो उसके लिए 1-2 दिन में वीडियो आएगा, वहां पर आप अपना देख लीजिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हिंदी मूवी पॉइंट ने, इन्होंने पूछा है सर मेरा एक जरूरी क्वेश्चन है, जैसे फ्री फायर में जो बड़े बड़े क्रिएटर्स होते हैं गेम प्ले करते हैं, उनको बीच बीच में फ्री फायर बड़े बड़े गिफ्ट भेजता है, जैसे कि उन्हें गिफ्ट में आईफोन भी देता है, तो क्या ऐसे यूट्यूब भी शॉर्ट्स बनाने वालों को देना स्टार्ट करेगा 2023 में आगे गिफ्ट के अंदर। तो भैया मैं आपको बता दूं, गिफ्ट के अंदर आपको आईफोन यूट्यूब नहीं भेजता है, जो आपको गिफ्ट यूट्यूब तो भेजता ही रहता है सारे बड़े क्रिएटर्स को या फिर छोटे भी क्रिएटर्स को, चाहे शॉर्ट्स को या फिर लॉन्ग को। तो उसमें आपका गिफ्ट के अंदर होता है जैसे थर्मस हो गया, लाइट वगैरह हो गया, ये सब चीजें होती हैं डेली यूज की, छोटी मोटी चीजें होती हैं, आईफोन वगैरह नहीं भेजता, लेकिन यूट्यूब आपको इतना पैसा खुद देता है, दे देता है कि एक नहीं आप कई आईफोन खरीद सकते हैं। तो ये फ्री फायर वगैरह में होता है, ये यूट्यूब में नहीं है, और लेकिन ये है कि आपको शॉर्ट्स में जो आपको गिफ्ट देता है वो गिफ्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं। और रही आईफोन की बात, तो जो यूट्यूब आपको पैसा देगा उससे आप जितना चाहे उतना आईफोन खरीद सकते हैं जब आप काम करते आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हर्ष के वीडियो ने, इन्होंने पूछा है हेलो सर इज शॉर्ट्स वायरल विद ट्रिक और नॉट। तो भाई मैं बता दूं, कोई ऐसा ट्रिक नहीं होता है कि ऐसा ही ट्रिक लगा दीजिए तुरंत वायरल हो जाएगा। हाँ, तरीके होते हैं कि अलग अलग तरीके से आप करेंगे काम तो होता है कि आपका वायरल हो जाएगा, और बहुत लोग का वायरल हुआ है। मैं हमेशा आपको एक नए नए तरीके बताता हूं, ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक का मतलब है कि कुछ ऐसा हो गया, सेटिंग कर दो, ये कर दो, तुरंत वायरल, ये नहीं होता है। मतलब तरीके होते हैं काम करने का, और एक्सपीरियंस से वो तरीके पता चलते हैं, जो कि मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस किया है मैं आपको डे बाय डे हमेशा सिखाता रहता हूं वीडियो में। तो वो चीज़ें आप अप्लाई करिए, 100% रिजल्ट मिलेगा, और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिला है। आप जाकर देखेंगे तो मैंने जो तरीके बताए हैं उसी तरीके से कितने सारे चैनल ग्रो हो गए, लाखों में नहीं मिलियंस में सब्सक्राइबर हो चुके हैं उन्हें, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग ग्रो होइए जो मैं तरीके बताता हूं उससे। तो मेरे लिए उससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जीत फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है सर मैं शॉर्ट्स फैक्ट वीडियो बनाता हूं, स्टार्टिंग में 1K से लेकर 2K 3K व्यूज जाते हैं, यानी 1-2 हजार 3 हजार व्यूज, इसके बाद व्यूज रुक जाते हैं, क्या ये वीडियो वायरल नहीं होगा। तो भैया 1-2-3 हजार पर आपके व्यूज क्यों रुक जाते हैं, बहुत सारे चीजें मैटर करती हैं। जैसे अगर आपका रिटेंशन सही रहा, आपको लगता है कि मेरा रिटेंशन सही है, इसके बावजूद भी 1-2-3 हजार पर मेरे व्यूज रुक गए, तो उसके पीछे की वजह यह होती है कि पता चला आपके 100 लोगों ने देखा, लाइक 2 लोगों ने किया, तो लाइक कितने लोग कर रहे हैं ये भी यूट्यूब देखता है। लाइक से मतलब होता है कि रिस्पांस कितने लोग कर रहे हैं, आपका वीडियो उन्हें कितना ज्यादा अच्छा लगा कि वो आपके वीडियो पर रिस्पांस करके गए, ये देखता है। प्लस साथ ही जैसे कमेंट्स कितने लोगों ने किया, कमेंट्स करना भी एक रिस्पांस ही होता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आप जो भी शॉर्ट्स वीडियो बनाए उसमें क्वेश्चंस बीच में कुछ पूछ लिया करिए, जिससे लोग सामने वाले कमेंट करके जाएं, 100 लोग देखे तो 10 लोग कमेंट कर दें, तो इससे रिस्पांस बढ़ता है, तो यूट्यूब उसको आगे भी भेजता है। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जैसे 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं, चैनल पर है कि क्यों आपके थोड़े व्यूज आने के बाद रुक जाते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जुल्फिकार अली ने,
उन्हें इन्होंने पूछा है, सर मेरा लाइफ हैक्स वाला वीडियो वायरल हो रहे हैं लेकिन अभी इसमें सेचुरेशन आ गया है, अभी किस टाइप की वीडियो बनाऊं? तो भैया मैं आपको बताऊं, आपका अगर बहुत सारे वीडियोस अलग अलग टाइप के वायरल गए हैं तो जो आपका रिसेंट यानी अभी कुछ टाइम पहले ही वायरल गया है, जिस टाइप का वो वीडियो है उसी टाइप का कंटेंट बनाइए, आपका चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका बहुत सारा वीडियोस वायरल चला गया है एक चैनल पर, मतलब अलग अलग टाइप के, तो आपका जो भी रिसेंट में अभी कुछ टाइम पहले वायरल गया है उसी टाइप का और कॉन्टेंट बनाइए तो वो भी वायरल जाने लगेगा। आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है योगेश सिंह ने, इन्होंने पूछा है सर अगर किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ जाए तो उसको हम प्राइवेट कर दें तो या फिर डिलीट कर दें तो क्या उस वीडियो के सब्सक्राइबर काउंट होंगे? तो जी हाँ, सब्सक्राइबर काउंट होंगे, और कॉपीराइट क्लेम आने पर आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको प्राइवेट फिर डिलीट करने की वीडियो, तो सब्सक्राइबर आपके काउंट होते हैं, तो आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है टूडेज फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है सर प्लीज पिक माय क्वेश्चन, सर मेरे चैनल पर एक स्ट्राइक है कम्युनिटी गाइडलाइंस और वो 8 अगस्त को हट जाएगी, मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है, 1K सब्सक्राइबर भी, सर मैं चैनल मोनेटाइज अभी कर सकता हूं या 8 अगस्त के बाद स्ट्राइक हटने के बाद? तो भैया स्ट्राइक हटने के बाद ही आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 8 अगस्त के बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दें, लेकिन अगर आपका शॉर्ट्स का चैनल है तो एक बार अपना वॉच टाइम आप क्रोम में जाकर चेक करिएगा, और ये YT स्टूडियो का वॉच टाइम नहीं, क्रोम में जाकर अगर आपके वहां पर 4000 घंटे पूरे हो चुके हैं 1000 सब्सक्राइबर तब आप 8 अगस्त के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चूज योर गिफ्ट ने, इन्होंने पूछा है सर क्या एक ही टैग को अलग अलग लैंग्वेज में लगा सकते हैं, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक टैग को अलग अलग लैंग्वेज में लगाने का कोई मतलब नहीं है, जैसे आपका कोई ऐसा वीडियो है जिसे लोग इंग्लिश में लिखकर सर्च करते हैं फिर हिंदी में लिखकर सर्च करते हैं, क्योंकि जो सर्च वाला कीवर्ड्स होता है उसी का मैच होता है टैग में जो आपकी वीडियो सर्च में आती है, तो उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश में टैग लगा दीजिए जैसे नॉर्मली लगता है, और साथ ही साथ इंग्लिश हिंदी टैग, यानी जैसे ये वीडियो वायरल कैसे करें, एक होता है हाउ टू वायरल वीडियो, एक ये टैग लगा दीजिए, या फिर वीडियो वायरल कैसे करें, ये नॉर्मल हिंदी इंग्लिश टैग हो गया, और या फिर आप हिंदी में प्योर हिंदी लिखकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये भी लोग सर्च करते हैं लेकिन बहुत कम लोग सर्च करते हैं, तो हो सके इंग्लिश में और इंग्लिश में ही जो हिंदी में लिखा जाता है कि शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, वो आप दो टाइप का टैग लगा सकते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अननोन अनुज ने, इन्होंने पूछा है कि भाई इस बात में कितनी सच्चाई है कि शॉर्ट्स चैनल मोनेटाइज होगा जनवरी में? तो भैया इसमें 100% सच्चाई है, अगर मैं कोई आपको न्यूज दे रहा हूं, कुछ चीजें बता रहा हूं, तो 100% ऑथेंटिक है, सच है। तो जनवरी से चैनल आपके मोनेटाइज होंगे, 1-2 महीने हो सकता है शॉर्ट फंड और बढ़ा दें इसके बाद मोनेटाइजेशन शुरू करें, लेकिन मोनेटाइज होना 2023 में 100% कंफर्म है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। मोनेटाइजेशन तो शॉर्ट्स फीड में शॉर्ट्स वीडियो का वैसे भी हो रहा है शॉर्ट्स चैनल का, लेकिन चैनल तो मोनेटाइज होगा, लेकिन शॉर्ट्स फीड में जो व्यूज आएंगे उसका भी पैसा जैसे गूगल एडसेंस का बनता है, जो आपके ब्राउज फीचर से देखे जाते हैं, वैसे आपके शॉर्ट्स फीड्स का पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट्स वीडियो के लिए, तो ये 2023 में हो जाएगा। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रवीण स्टाइल गेमर ने, इन्होंने पूछा है सर सिल्वर प्ले बटन के लिए चैनल मोनेटाइज होना जरूरी है? तो जी नहीं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, चैनल मोनेटाइज हो या फिर ना हो, शॉर्ट फंड मिला हो या ना मिला हो, अगर आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आप अपना सिल्वर प्ले बटन ले सकते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुकद्दस फैक्ट्स ने, इन्होंने पूछा है मेरा क्वेश्चन आप कभी पिक नहीं करते, कर लो। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इंस्टाग्राम के रील्स का छोटा छोटा पार्ट अपने यूट्यूब चैनल के वीडियो में डालें तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी ना? तो भैया आपका क्वेश्चन मैंने पिक कर लिया, उसके पहले मैंने किया था, मुझे याद है आपका नाम। तो मैं आपको बता दूं, जो आपने पूछा इंस्टाग्राम रील्स के छोटे छोटे पार्ट्स, तो हाँ छोटे छोटे पार्ट्स अपने वीडियो में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप इंस्टाग्राम रील्स ही उठाकर डायरेक्ट अपलोड कर दें, डायरेक्ट मत अपलोड करिएगा, आपका जो पार्ट है मतलब छोटे छोटे पार्ट्स उसे कट करके आप अपने वीडियो में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महेश सिंह ब्लॉग ने, इन्होंने पूछा है सर बाइक राइड शॉर्ट्स अपलोड किया है, चैनल मोनेटाइज होगा क्या? मोटो ब्लॉग के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट होगा? तो भैया अगर आप क्या कहते हैं बाइक राइड का शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो 100% मोनेटाइज होगा, आपका यूनिक कंटेंट है तो अच्छे से आप ग्रो भी करेंगे। और रही बात कि मोटो ब्लॉग के लिए कौन सा कैमरा बेस्ट रहेगा, तो भैया ये कैमरा बेस्ट कौन सा रहेगा, ये आपको जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं वो अपने चैनल पर बना के डाले होंगे कि कौन सा कैमरा सस्ते में अच्छा रहेगा या फिर कैसे बेस्ट रहेगा, सभी चैनल वाले बनाकर डालते हैं, सभी चैनल का मतलब जो इस टाइप का काम करते हैं। तो मोटो ब्लॉगिंग में आप जाकर देख सकते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग कौन करता है और वो खुद अपना वीडियो बनाए होंगे कि कौन सा बेस्ट कैमरा है, तो आप जाकर देखिए और वो कैमरा आप परचेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पराशर
चक्रवर्ती ने, इन्होंने पूछा है क्या मैं एक चैनल में मिक्सचर कंटेंट डाल सकता हूं, प्लीज बताइए सर। तो भाई मैं आपको बता दूं कि आप मिक्स कंटेंट मत डालिएगा, सेम कैटेगरी में जो अलग अलग सब कैटेगरी होती हैं वो आप बना सकते हैं। जैसे फैक्ट के अंदर मैंने बताया कि भूतिया फैक्ट, ये फैक्ट, वो फैक्ट, वो आप बना सकते हैं। मतलब किसी भी कैटेगरी के अंदर ऐसे बहुत सारे सब कैटेगरी होते हैं। लेकिन अगर मिक्स मत करिएगा कि कॉमेडी डाल दिया, रोस्टिंग डाल दिया, गाना डाल दिया, इसके बाद फैक्ट डाल दिया, इसके बाद डांस डाल दिया, तो ये सब चीजें मत करिएगा। मिक्स कंटेंट कभी मत डालिएगा, एक चीज सेलेक्ट करिए जिसमें आप बेस्ट हो, वो चीज सेलेक्ट करिए और उसी पर काम लगकर करिए, बस 100% आपका चैनल ग्रो होगा। लेकिन मिक्स कंटेंट मत डालिएगा, मिक्स कंटेंट अगर आप डालेंगे तो कभी चैनल आपको ग्रो नहीं होगा। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राज ने, इन्होंने पूछा है अगर शॉर्ट्स वीडियो को प्रीमियर करके अपलोड करें तो क्या वो शॉर्ट्स फीड में जाएगा, अगर शॉर्ट्स फीड में जाएगा तो पैसा शॉर्ट फीड का मिलेगा या गूगल एड्स का या दोनों का। तो मैं आपको बता दूं अगर आप प्रीमियर करके डालते हैं तो आपका वीडियो 100% शॉर्ट्स फीड में जाता है। और रही बात कि आपको पैसा कैसे मिलेगा, तो अगर आपका जो ब्राउज फीचर से व्यूज आते हैं यानी ब्राउज फीचर से देखा जाता है उसका गूगल एड्स का पैसा बनता है, क्योंकि आपका जो प्रीमियर करके आप वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट्स का, वो जब आप ओपन करते हैं तो जैसे लॉन्ग वीडियो ओपन होता है उस तरीके का ओपन होता है। तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपका गूगल एड्स के जैसे पैसे बनते हैं लॉन्ग वीडियो का, वैसे ही आपका जो ब्राउज फीचर से देखा जाएगा उसका पैसा बनेगा। और शॉर्ट्स फीड में जो जाता है, जो शॉर्ट्स फीड से व्यूज आएंगे उसका आपका शॉर्ट फंड बनेगा। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। तो यही सारे यूनिक क्वेश्चन जो मुझे सबसे हटकर लगे जो मैंने पिक किया, और मैक्स टू मैक्स मैंने जितना ज्यादा हो सका मैंने पिक करने की कोशिश की। तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज के संडे क्यूने कमेंट सेशन में। ये आपका वीडियो जो मैंने आज बनाया आपके संडे क्यूने कमेंट सेशन का, कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।